आप देख रहे हैं एशियन न्यूज हब। नाज़रीन, 12 दिन पहले एक एक्सीडेंट होता है पुलवामा पारीगा में, जहां पर मोहम्मद रफीक नामी शख्स जो कि बर्शा नगर श्रीनगर का रहने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अगले दिन उसकी मौत वाक़ होती है। उसके बाद यहां पर ये जो फैमिली है आज प्रेस कॉलोनी प्रोटेस्ट करने आई है, क्योंकि एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन अभी तक इन्हें ये नहीं पता चल पाया है कि वो शख्स कौन था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसको पेश नहीं किया गया। यहां पर उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, ये उनकी वाइफ है और उनकी 4 बेटियां हैं, उनके साथ उनकी ये बेटी भी बाइक पर सवार थी, इसका भी जो है ये भी इंजर्ड हो चुकी है। आपसे हम जानना चाहेंगे ये हादसा कब पेश आया था और अभी तक क्या कुछ हुआ। ये 22 सितंबर को शाम के टाइम ये हादसा हुआ है और फिर वो रात को हॉस्पिटल में थे, फिर पुलिस विलिस कुछ भी नहीं थी, हालांकि एक्सीडेंट था। पुलिस को तब तक जब तक उनकी डेथ हुई है सुबह 4 बजे, तब तक पुलिस को वहीं रहना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद अभी 12वां दिन है, ना कहीं पुलिस है ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं, जैसे हम इस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था और वो कहाँ जा रहे थे? वो अपनी बहनों के पास जा रहे थे, उनका नानिहाल भी वहीं है पुलवामा में पिंगलैना में, और वहाँ उनकी बहनों की भी शादी हुई है, वो जा रहे थे वहीं पर, और रास्ते में पारीगाम में एक्सीडेंट हुआ है। हुआ एक्सीडेंट, मगर मैं कहती हूँ कि अभी तक उस ऑटो वाले का, उस कातिल को क्यों नहीं पकड़ा गया। मैं कहती हूँ कानून है इस मुल्क में, कानून है, तो फिर ये अभी तक वो कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया, अभी तक हमें क्यों नहीं ये बताया गया कि आप बेफिक्र रहें, हम आपके बदले से काम कर रहे हैं। अगर हमें पुलिस आती वो कहते कि हम आपके कातिल को ढूंढ रहे हैं, हम आपके कातिल को पकड़ लेंगे या हमने पकड़ लिया, तो हम आराम से घर बैठते, हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम आज 12 हमें मातम है, मुझे मातम के दौरान यहाँ आना पड़ा, क्यों कि मुझे अपने शोहर का वो खून बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तो ठीक ठाक था, अच्छे से था, उस कातिल ने उसको कत्ल करके छोड़ दिया रास्ते में, और वो ओवरटेक कर रहा था, और वो कातिल जो है वो कानून के और वो रूट की खिलाफ वर्जी कर रहा था, वो क्योंकि अपने रूट पर नहीं था, अपने साइड पर नहीं था, वो बिल्कुल गुनाहगार है, वो जो ऑटो वाला है, लोड कैरियर वाला। आपको कैसे पता चला फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और ये ऑटो वाले ने किया है, लोड कैरियर वाले? हाँ जी, जब हमें CCTV कैमरा की फ़ोटो हमने देखी और मैंने कहा हाय, मेरा शोहर तो सीधे जा रहा था, ये इसको कौन सी दुश्मनी हमारे साथ थी इस ऑटो वाले को कि ये इसके आगे आ गया। अगर उस वक्त मेरा शोहर नहीं था और भी कोई होता, वो किसी ना किसी का कातिल बन के निकला था वो ऑटो वाला, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर ऐसे कातिल इस मुल्क में रहेंगे, ऐसे कातिल इस हमारे मुल्क में रहेंगे, फिर किसी की खैर नहीं है, फिर तो सारी औरतें बेवा हो जाएंगी और सारी बेटियाँ यतीम हो जाएंगी। फिर क्यों कानून है? कानून किस लिए? हमारे लिए बना ना, इन्हीं बातों के लिए बना है ना कि हमें, मैं कहती हूँ कानून एक्शन ले, क्या कानून एक्शन ले, पुलिस एक्शन ले, IG पुलिस से मैं कहती हूँ कि वो एक्शन ले। ये मैं नहीं है, ये और कोई है, किसी और के साथ हुआ है, मगर हुआ है ना, ये जुल्म हुआ है ना, ठीक है। आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। वो कातिल जिंदा है ना, उसने देखा ना मैंने इंसान को मारा, मुझे किसी ने नहीं पूछा, वो कल निकलेगा मजे से ऐसे दूसरे और किसी को मार। तो यहाँ पर इनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या थोड़ा सा बताइए, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, आप इस दौरान मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उस दिन क्या हुआ था? आप गलत जा रहे थे, वो ऑटो गलत जा रहा था? ऑटो गलत जा रहा था, हम सही थे, लोड कैरियर वाला ही गलत जा रहा था, और ऑल्टो वाले को भी बहुत जगह थी अपने साइड से, ना वो उधर था ऑल्टो वाला ना इधर था, वो रास्ते के बीच में था, फिर वो उसने उसको ओवरटेक किया और वहाँ से हमें टक्कर लगी और हम गिर गए। हाँ, और वो इतना फास्ट था कि हम पापा बचे ही नहीं, इतना फास्ट भी उसको नहीं होना चाहिए था, और मैं चाहती हूँ कि उसको पकड़े, उसको भी वैसी सजा दे, उसका भी वही हाल किया जाए जो मेरे पापा का। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, अब आपका मकसद क्या है? हम IG कश्मीर से अपील करते हैं कि जिस तरह से आप बाकी सबको इंसाफ दिलाते हैं, हमें भी इंसाफ दिलाइए, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। जो ये मेरी बहन का हाल हो गया और मेरी भांजियों का हाल हो गया, इसके बाद इसके अलावा किसी के साथ ना हो ऐसा। हम कहते हैं कि पुलिस अपनी एक्शन ले इस बात पे और एक्टिव हो जाए पुलिस, ताकि हमें इंसाफ मिलेगा और कातिल को भी पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये मोहम्मद रफीक जो कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था, ये उनकी बीवी है, यहाँ पर उनके 4 बच्चियाँ मौजूद है, ये बेचारे तो बेवा हो गए, ये यतीम हो गए। अब देखिए ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों को इनके गुनाहों की, इनके कर्मों की सज़ा नहीं मिलनी। इनकी गुजारिश IG कश्मीर से है कि वो एक्शन लें, कार्रवाई करें उनके
खिलाफ जो इसमें शामिल है और जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी वजह से ये औरत बेवा हुई है, ये बच्चे यतीम हुए हैं। एशिया न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।